सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। मन की सोच सुंदर है तो सारा संसार सुंदर नजर आएगा। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पे घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजह से डूब जाता है। दोस्त वह होता है जो आपके भूतकाल को समझता है, आपके भविष्य पर विश्वास रखता है और आप जैसे हैं वैसे ही आपको अपनाता है। ज्यादातर लोग ज्ञान और प्रतिभा की कमी से नहीं हारते, बल्कि इसीलिए हार जाते हैं क्योंकि वे जीत से पहले ही मैदान छोड़ देते हैं। आज का पंचांग 23 मार्च 2021 दिन मंगलवार, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि, सुबह 10:07 तक रहेगी। इसके उपरांत 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुनर्वसु नामक नक्षत्र रात्रि 10:45 तक रहेगी। इसके उपरांत पुष्य नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:34 से 5:05 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:09 से 12:57 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर शाम 4:31 तक रहेगी। इसके उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगी। तुला राशि 23 मार्च 2021 दिन मंगलवार, तुला राशि वालों के लिए आज का दिन व्यापार में अच्छे परिणामों को दर्शाने वाला रहेगा। कार्य क्षेत्र पर काम धंधे की स्थिति बेहतर देखी जाएगी। कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। किसी कंपनी के द्वारा कोई जॉइंट नेचर साझेदारी आदि भी देखी जा सकती है। नौकरी पेशा वर्ग में सेल्स कर्मचारी अपने लक्ष्य पूर्ति हेतु अधिक भागा दौड़ी करते देखे जाएंगे। आर्थिक रूप से दिन उलझनों वाला रहेगा। आय की अपेक्षा खर्च अधिक होने से संतुलन बनाना मुश्किल हो सकता है। व्यापारिक वर्ग के लिए यह समय नए उत्पादों को व्यापार में शामिल करने का भी है। आज समय है नई शुरुआत का। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जरूरी अपॉइंटमेंट लें और नुकसानदेह आदतों से बचें। आज सब कुछ बदलाव चाहते हैं, साथ एक नए हेयर कट या फैशन को लेकर। आत्म मूल्यांकन आज उचित है। अपनी ताकत और सीमाओं के संपर्क में रहें। अपने अच्छे भाग्य पर विश्वास रखें और चिंताओं को छोड़ दें। याद रखें खुशियां चिंताओं को छोड़ने और परिवर्तन की जरूरत को स्वीकार करने से आती है। अच्छा, आपका दिमाग केवल निजी मामलों और अतीत के मुद्दों पर केंद्रित है। अभी आप अच्छे बोलने या खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के इच्छुक नहीं हैं। आप अपने सवालों के उत्तर अतीत में खोज रहे हैं। शांति से सोचें और ध्यान के लिए यह समय उपयुक्त है। याद रखें कभी कभी लालसाएं इतनी अधिक बढ़ जाती है कि उन्हें प्राप्त न करने से मानसिक पीड़ा होती है। आप अपनी सीमाओं के बारे में अच्छे से जानते हैं, फिर वो चाहे शारीरिक हो या भावनात्मक। उपलब्धियां प्यार और रचनात्मकता के लिए भी यह समय बेहतरीन है। दिन आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर भी आएगा। अच्छा, आपकी नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में आपको कोई उच्च पद व ओहदा प्राप्त होने वाला है तो उसे स्वीकार करने में देर ना लगाएं, यही आपके लिए उत्तम रहेगा। विद्यार्थियों को आज दिन की कमी का सामना भी करना पड़ सकता है। रोजगार के क्षेत्र में कार्यरत लोगों को आज सफलता भी प्राप्त होगा। परिवार में पति पत्नी के मध्य अच्छा तालमेल भी देखा जाएगा। आपसी संबंधों की नजदीकी बढ़ती हुई देखी जाएगी। बुजुर्गों की सामाजिक व्यवहारों के चलते मतभेद उभरेंगे। सावधानियां, पैसे का लेन देन करते समय आपको अधिक सावधान रहने की जरूरत है। आप किसी को आज उधार पैसा भी ना दें, वापस मिलने की उम्मीद कम है। बात करते हैं लव लाइफ की। मतभेद और समस्याएं आज आपकी तंदुरुस्ती को भी प्रभावित करेगी। यदि जरूरत महसूस हो तो आप अस्पताल जाने की सलाह भी दी जाती है।
हालांकि आप अपने योगदान में सीमित महसूस कर सकते हैं, लेकिन अपनी पहचान बनाने का यह बेहतरीन क्षण है। अपनी शक्तियों और सीमाओं को पहचानें, अपने बाहरी परिस्थिति में बदलाव और नियमित ध्यान से नई शुरुआत के सरल तरीके तलाश करें। रोमांस और प्यार के लिए आज अच्छा दिन है। निजी मामलों और विशिष्ट समस्याएं आज आपकी प्राथमिकता है। कुछ जरूरी प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए सतर्क होने के कारण आपका भविष्य उज्जवल है। जब आपकी उम्मीदें बहुत अधिक होती है, परिणाम भले ही अच्छा मिले किंतु आपको वो पर्याप्त नहीं लगता। रोमांस के लिए नई योजनाएं बनाएं ताकि आने वाले समय में कुछ बेहतरीन क्षण आपके हिस्से में आए। अगर आप सही से काम करते हैं तो लक्ष्यों तक पहुंचा जा सकता है। धैर्य रखें क्योंकि अच्छे परिणाम प्राप्त करने की क्षमता आपके विचारों में है। बात करते हैं करियर की। इस चरण में आप खुद के सबसे अधिक विश्वसनीय पहलू के संपर्क में आ सकते हैं। यह वो प्रतिक्रिया है जिनमें आपको आत्मा की खोज और वास्तविक मूल्यांकन की जरूरत हो सकती है। जैसे आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं और किस दिशा में काम कर रहे हैं। आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और ध्यान आपके मार्गदर्शन के लिए उपयोगी हो सकते हैं। अपनी तंदुरुस्ती को प्राथमिकता दें और डॉक्टर या काउंसलर से मिलें। जीवन में स्पष्ट दृष्टिकोण और जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उसे हासिल करने के लिए सामाजिक सेवा और धर्मार्थ कार्य में व्यस्त रहेंगे। आज आपका ध्यान निजी मामलों और अतीत के मुद्दों पर है। यह वो समय है जब आप कम बोलना चाहते हैं। आप अपने घर या काम पर अब काम का अधिक बोझ महसूस करेंगे। पुराने या बेकार मुद्दों को खींचना और दुष्टों के झगड़े में पड़ने से बचें। अतीत तब तक आपके भविष्य को सुधारने में आपकी मदद कर सकता है जब तक आप अपनी गलतियों को ना सुधारें। अच्छा, आपको अपनी व्यक्तिगत सीमाओं के बारे में स्पष्ट रूप से अवगत कराया जाएगा। यह समय भी गुजर जाएगा और आप उपलब्धियों और प्रतिष्ठा के मार्ग पर अग्रसर होंगे। आपका मान सम्मान चरम पर भी आज हो सकता है। अच्छा, आपको किसी प्रोग्राम में अतिथि के रूप आमंत्रण मिल सकता है। बात करते हैं सेहत की। आज आप खुद पर काबू रखें, कहीं किसी उच्च अधिकारी के सामने आप अपना संयम ना छोड़ दें। अच्छा, आपको चैन नहीं मिलेगा और आप अपने काम पर ध्यान नहीं लगा पाएंगे। आप खुद का संयम बना के रखें। आप अपने साथी के साथ भी संयम बना के रखें। अपने सेहत का पूरा ख्याल रखें। आज कमर में दर्द रहने की भी शिकायत कईयों को देखी जा सकती है। ध्यान रखें। सावधानियां। आज हनुमान चालीसा का पाठ करना लाभदायक रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।